गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, हमने कल नाउन चैप्टर स्टार्ट किया था। नाउन की डेफिनेशंस हम कर चुके हैं, नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, वी हैव डन दैट ऑल्सो, एंड वी हैव ऑल्सो लर्नड सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। और अगर आपको किसी भी नाउन में, मैंने आप लोगों को 10 रूल्स सेंड किए थे कल, अगर किसी को कोई डाउट है इस रूल में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में क्या होता है, जैसे लिखा है, कुछ नाउन्स हमेशा फेमिनिन जेंडर हेतु ही उपयुक्त होते हैं। यानी जेंडर का मतलब होता है, जो हिंदी में अगर हम बात करें, जेंडर मतलब फीमेल है या फिर मेल है। ठीक है, इसमें फीमेल को हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर और मेल को हम बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, वैसे तो चार टाइप्स होते हैं, वो आगे हम करेंगे। तो कुछ नाउन्स जो होते हैं ना, वो फेमिनिन यानी फीमेल की तरह ही यूज़ होते हैं उसका, वो मेल की तरह हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि ब्लॉन, मेड, मिडवाइफ, कॉकेट, वर्जिन एट्सेट्रा। जो वर्जिन होता है, वर्जिन का मतलब होता है कुंवारा या कुंवारी। ठीक है, मतलब जिसकी शादी ना हुई हो। लेकिन पहले क्या होता था, वर्जिन का प्रयोग फेमिनिन जेंडर में और बैचलर का प्रयोग मस्कुलिन जेंडर में किया जाता है। ठीक है, यानी लड़का अगर कुंवारा होगा, शादी नहीं हुई है, तो हम उसको बैचलर बोलेंगे और लड़की को हम वर्जिन बोलेंगे। लेकिन आजकल इनका प्रयोग दोनों जेंडर में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं, राम इज़ अ बैचलर, ओके, सीता इज़ अ बैचलर, यानी राम बैचलर है और सीता लड़की है, उसको भी हम बैचलर बोल देते हैं। रहीम इज़ अ वर्जिन, रेहाना इज अ वर्जिन, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नाउन के जेंडर, जो नाउन होते हैं उसका जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर जैसे मैंने बताया, मेल या फीमेल। ठीक है, तो जेंडर के चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है मस्कुलिन जेंडर, सेकंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर, फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, मस्कुलिन जेंडर क्या होता है, जिसको हम मेल बोलते हैं, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, मेल है, पुरुष है, ठीक है, बॉय है, लड़का है, ये मस्कुलिन जेंडर होते हैं वो। जैसे टाइगर हो गया, पावर, वॉयलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर एट्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर होते हैं जो ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को दिखाते हैं, उनको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। जैसे टाइगर का हम टाइग्रेस बनाएंगे। ठीक है, पावर जो होता है, पावर मस्कुलिन ही होता है, पावर तुझे पावर मिल गया है, ऐसा बोला जाता है, मिल गई है नहीं बोला जाता, मिल गया है बोला जाता है। ठीक है, वुमेन हो गया, लायनेस हो गया, मदर, सिस्टर, पीस, शांति, शांति मिल गई मुझे, ऐसे बोलते, शांति मिल गया नहीं बोलते हम कभी भी। ठीक है, नेचर, अर्थ, गॉडेस एट्सेट्रा। इसमें कुछ वर्ड्स आपको, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, उसमें कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है ये मस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, जैसे पीस दे दिया, पीस को अंडरलाइन कर देंगे, वो पूछेंगे पीस क्या है, मस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो आप बताओगे कि पीस जो वर्ड है फेमिनिन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर, कॉमन क्या होता है, ऐसे नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हम कॉमन जेंडर होते हैं वो, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड चाहे लड़की हो या लड़का हो, बच्चा है, बच्चे को हम क्या बोलेंगे, बच्ची होगी तो भी चाइल्ड बोलेंगे और बच्चा होगा तो भी चाइल्ड बोलेंगे। बेबी, बेबी बच्चा, लड़की और लड़का दोनों के लिए यूज़ करते हैं। टीचर, टीचर हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं। सर्वेंट भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको हम स्टूडेंट बोलेंगे। कज़न, इन्फेंट, इन्फेंट होता है शिशु, नवजात शिशु होता है जिसका भी अभी जन्म हुआ है। थीफ, चोर, नेबर, पड़ोसी, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ करते हैं एट्सेट्रा। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तु को व्यक्त करते हैं, जो न मेल है और ना ही फीमेल है, उनको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जैसे कॉपी, ठीक है, बुक, बुक हमारी हो गई, बुक को हम यानी ना तो ये मेल होती है ना फीमेल होती है। ठीक है, बुक, रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स एट्सेट्रा, ये हमारे न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अब देखो रूल होते हैं, कुछ मस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के साथ ई डबल एस लगाने से फेमिनिन नाउन बन जाता है वो। जैसे ऑथर होता है, ऑथर के साथ, ऑथर मतलब लेखक,
इसके साथ ई डबल एस लगा देंगे ऑथ्रेस तो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। काउंट होता है, काउंट को हम बनाएंगे काउंटेस, होस्ट होस्टेस, ज्यू ज्यूस, मेयर मेयरेस, पियर पियरेस। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों को लर्न करने हैं, आप जितने ज़्यादा याद करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। रूल नंबर टू, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवल यानी जो लास्ट में वोवल आता है और उससे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई डब्ल एस जोड़ने से भी फेमिनिन नाउन बन जाता है। जैसे कि एक्टर होता है ए सी टी ओ आर, तो इसमें लास्ट वाला वोवल क्या है ओ, इस ओ को हटा देंगे। आपको पता है वोवल हमारे फाइव होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो इसमें लास्ट वाला वोवल है, लास्ट में तो कॉन्सोनेंट है आर, आर से पहले वोवल हो गया ओ, तो ओ को हटा दिया हमने और ई डब्ल एस लगा दिया लास्ट में, यानी ए सी टी ओ हट गया, आर आ जाएगा फिर ई डब्ल एस। ओके, ऐसे ही बेनफैक्टर होता है, हंटर होता है, प्रिंस होता है, वेटर होता है, तो हम इसके लास्ट वाला वोवेल हटा के ई डब्ल एस लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री में क्या होता है, कुछ केसेस में मस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है, ठीक है, और उसके उसमें फिर ई डब्ल एस लगा जाए और आखिर में हम ई डब्ल एस लगाते हैं तो फेमिनिन नाउन बन जाता है। जैसे आपका है अबोट, ए डबल बी ओ टी अबोट, तो हम बनाएंगे ए डबल बी ई डब्ल एस। ओके, एम्परर, एम्परर सम्राट को बोलते हैं, एम्परर के साथ हम लगा देंगे ई एम पी आर ई डब्ल एस लगा देंगे। गवर्नर, गवर्नेस, इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। रूल नंबर फोर, कुछ केसेस में कंपाउंड मस्कुलिन नाउन के फर्स्ट और सेकंड शब्द में कुछ चेंज किया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट हो गया तो मेड सर्वेंट बन जाएगा, डॉक्टर है लेडी डॉक्टर बन जाएगा, वॉशरमैन है वॉशर वूमेन बन जाएगा, बक रैबिट डो रैबिट, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, ही बियर शी बियर, बुल काफ काउ काफ। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न करना है। आगे है फॉरेन वर्ड्स और दूसरी तरह के अलग 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 जो वर्ड्स होते हैं मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर में दिए गए हैं। देर इज़ नो रूल फॉर सच वर्ड्स, ऐसे रूल्स, ऐसे वर्ड्स के लिए कोई रूल नहीं होता, वो हमें लर्न ही करने पड़ते हैं। जैसे हमारा हो गया एडमिनिस्ट्रेटर तो एडमिनिस्ट्रिक्स बन जाएगा, बीओ बैले, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स, लेड बालक जो होता है लेस, प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट्रिक्स, सुल्तान सुल्ताना बन गया, वॉइसराय वॉइसराइन बन गया, बोर सो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग ये लर्न करना अच्छे से। आगे भी कुछ दे रखे हैं तो आप इनको भी लर्न करना। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा नाउन नंबर। अब हम करेंगे नाउन तो हम कर ही रहे हैं, नंबर, ठीक है, हमने अभी जेंडर किया, जेंडर में क्या होता है मेल और फीमेल के बारे में बताना, और नंबर में होता है सिंगुलर और प्लूरल, दो टाइप्स होते हैं इसके, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है एक चीज़ और प्लूरल होता है बहुत सारी चीज़ें, उसके बारे में बताना। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। जैसे रूल नंबर फर्स्ट है, कुछ नाउन के आखिर में एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है, जैसे बॉय गर्ल काइट टेलीफोन एट्सेट्रा होते हैं। रूल नंबर टू है, जिन नाउन के आखिर में एस डबल एस सी एच एस एच जेड या एक्स आता है तो उनको प्लूरल बनाने के लिए उसके आखिर में ई एस जोड़ा जाता है। जैसे बस बी यू एस बस, लास्ट का हमारा जो वर्ड है वो लेटर है हमारा एस है तो हमने क्या जोड़ा इसके साथ बी यू एस ई एस। फॉक्स एक्स है तो एक्स ई एस हो गया, वॉच सी एच है तो ई एस हो गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यानी अपवाद होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे स्टमक एस टी एम ए सी एच स्टमक होता है हमारा पेट होता है, वैसे तो इसके लास्ट में सी एच आया हुआ है, रूल के अकॉर्डिंग तो ई एस लगना चाहिए लेकिन ये एक्सेप्शन केस है तो इसलिए सिर्फ एस लगेगा। रेडियस, रेडियस जो होती हैं उसके होती सर्कल की होती हैं तो ये रेडी बनेगा, लॉकस लॉकी बनेगा, ऑक्स ऑक्सन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रूल नंबर थ्री, कुछ नाउन्स के नाउन के अंत में ओ आता है और उससे पूरा कोई व्यंजन हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के आखिर में ई एस जोड़ा जाता है। अंत में ओ आता है, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे एच ई आर ओ, लास्ट में ओ आ गया और ओ से पहले आर है तो आर क्या है कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए हम ई एस जोड़ देंगे। पोटैटो
इसी तरीके से ओ सेल पहले टी आ गया तो हम ई एस छोड़ देंगे। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कैंटो है सी ए एन टी ओ एस हो गया, डायनमो है इसमें भी ओ से पहले एम आया, कॉन्सोनेंट आया है लेकिन इसके साथ सिर्फ एस ही ऐड होएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये लर्न करने पड़ेंगे, एक्सेप्शन केस लर्न करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन के आखिर में डबल वोवेल लगा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है। जैसे बी डबल ई बना है, डबल ई डबल वोवेल हो गया तो हम सिर्फ एस लगा देंगे। टी आर डबल ई है तो टी आर डबल ई एस बन जाएगा, जू है तो एस लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 5, यदि नाउन के आखिर में वाई आ जाए और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई की को हटा देंगे और उसको क्या बना देंगे, आई ई एस बना देंगे। जैसे कि सी आर वाई, तो वाई से पहले आर आ गया तो वाई को हटा देंगे, सी आर रखेंगे हम, आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। डी ओ डबल एल हो गया तो ये तो डी ओ डबल एल एस ही बनेगा, इसमें वाई है नहीं। सी टी हो गया, सी आई टी वाई, सीटिंग में वाई को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। इस तरीके से आपको लर्न करना है। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वोवेल आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ एस लगता है। फिफ्थ रूल में क्या, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर हमारा लगता है आई ई एस, वाई को की प्ले को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर वाई से पहले वोवेल आ जाता है तो सिर्फ एस लगाएंगे, जैसे के ई वाई है तो वाई से पहले ई आ गया तो हमने बनाया के ई वाई एस, इस तरीके से बनाना है। रूल नंबर 7 है, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देंगे और उसके प्लेस पे वी ई एस हम लगा देंगे। जैसे सी ए एल एफ, एफ आ गया तो एफ को हटा देंगे और उसको रिप्लेस करेंगे वी ई एस के साथ। एच ए एल एफ, तो एफ आ गया तो इसको हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, कुछ एक्सेप्शन हैं इसके भी, देखिए रूल फॉलो नहीं होता। जैसे बी ई एल आई ई एफ हो गया तो एफ तो आया है लास्ट में लेकिन उससे पहले ई आया है, ई एफ यानी वोवेल आ गया तो हम सिर्फ एस लगा देंगे। सी एच आई ई एफ, तो सी एच आई ई एफ एस लग जाएगा, वी ई एस नहीं बनेगा इसका, ओके स्टूडेंट्स। रूल नंबर 8, कंपाउंड नाउन में कुछ शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ है स्टूडेंट्स, तो हम ब्रदर के साथ एस लगाएंगे ना कि लॉ के साथ लगाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ बनेगा। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ बनेगा। इस तरह के वर्ड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए कि एस कहाँ लगेगा, तो ये हमें लर्न करने हैं अच्छे से। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स बनेगा। पिकॉक, पिकॉक्स। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ बनेगा। मैन सर्वेंट, मैन जो होता है एम ए एन होता है तो इसका प्लूरल हम एम ई एन बनाते हैं, ओके। मैन नर्स, मैन नर्सिस बन जाएगा। इस तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 9, मैन, मैन का जो कुछ होते हैं 8 नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए अंदर वाले यानी वोवेल को हम चेंज करते हैं। जैसे मैन है, मैन मैन है तो एम ई एन मैन बनाया। वुमेन है तो वुमेन अगर सिंगुलर है डब्ल्यू ओ एम एन है तो हम वुमेन प्रनाउंस करेंगे उसको, और डब्ल्यू ओ एम ई एन है तो वी मैन बोलेंगे, वी मैन। फुट फिट, टूथ टिथ, माउस माइस, लाउस लाइस, गूज गीज, डोरमाउस डोरमाइस। रूल नंबर 10, 4 नाउन ऐसे जिनका प्लूरल बनाने के लिए ई एन या एन ई जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड चिल्ड्रन, ऑक्स ऑक्सन, काओ काउज भी बन जाता है और काइन भी बन जाता है, ब्रदर ब्रदरन बन जाता है, ठीक है। रूल नंबर 11, कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ब्रदर तो ब्रदर्स बना देंगे तो सन्स ऑफ सेम पेरेंट यानी एक ही माता पिता के बेटे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सॉरी ब्रदर्स, ओके। और ब्रदरन होता है मेंबर ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी यानी भाईचारे वाले जो भाई होते हैं भाई सोसाइटी के कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम ब्रदरन बोलते हैं। क्लॉथ स्टूडेंट, क्लॉथ्स जो होता है सी एल ओ टी एच एस इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ये होता है अनस्टिच्ड कपड़ा जिसको बिना सिला हुआ कपड़ा, और सी एल ओ टी एच ई एस जब बन जाता है तो वो हमारे सिले हुए कपड़े होते हैं गारमेंट्स जिनको हम बोलते हैं।
DIE, तो DIES हो गया, तो स्टैम्प्स यूज फॉर प्रिंटिंग और कॉइनिंग, सिक्के वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं स्टैम्प्स। और DICE डाइस, जो स्मॉल क्यूब्स होती है जिसको गेम्स में हम यूज करते हैं। इंडेक्स, इंडेक्सिज EX के साथ ES लगा देंगे, तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक, जो टेबल होते हैं जो हम स्टार्टिंग में होता है, पेज के स्टार्टिंग में होता है हमारा इंडेक्स, बनाओ भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ अपने नोटबुक पे। वो एक होता है इंडाइसिस, मतलब साइंस यूज्ड इन एलजेब्रा में जो साइन यूज़ करते हैं हम उनको बोलते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ थे रूल्स। कुछ प्लूरल होते हैं, टिपिकल प्लूरल होते हैं, जैसे लैटिन वर्ड्स होते हैं जिसके अंत में UM आता है तो एक वचन होता है, और प्लूरल बनाने के लिए UM को हटाकर A लगाया जाता है, जैसे एड्यूम तो एडेंडा बन गया, डेटम डेटा बन गया, ओवियम ओवा बन गया, इरेटम इराटा बन गया। ठीक है, तो जैसे इसमें नोट में दे रखा, आजकल एजेंडा एंड डेटा का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाने लगा है। एजेंडा हो गया जैसे हमारा, ठीक है, एजेंडा हैज़ बीन फाइनलाइज्ड, एजेंडा होता भी प्रॉपर्टी जो सॉरी पार्टी वगैरह का एजेंडा भी, क्या क्या रूल हमें फॉलो करने हैं वो चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में ये दे रखे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल है, इनको हमें लर्न करना है। ठीक है, ये सिर्फ लर्न रूल्स लर्न करना और इनको अच्छे से लर्न करना, जितने ज़्यादा आप लोग लर्न करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अपने बच्चों को भी अच्छे से लर्न करवा सकते हो ये चीज़ें। ठीक है, तो उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, अपनी अटेंडेंस रोज़ शाम को भी, इवनिंग सेशन में भी और मॉर्निंग सेशन में भी मार्क कीजिए। ओके, एंड परचेज दिस बुक ऑल्सो, इसको अच्छे परचेज कर लेना और अच्छे से अपना साथ के साथ रिवीजन करते रहना, क्योंकि इसके बाद फिर रिवीजन नहीं होने वाला, मैंने रिवीजन आप लोगों को स्टार्ट करवा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर।